नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कद्दू का मीठा बनाना सिखा रही हूँ। तो ये पंपकिन है, इसको इंग्लिश में पंपकिन बोलते हैं, हिंदी में कद्दू बोलते हैं। तो ये कटा हुआ कद्दू है और इसमें हम बारीक करके इसको काट रहे हैं। ये देखिए, इस तरह ये हमने सारा पंपकिन जो है छोटे छोटे पीसेस में कट किया। इसके बाद देखिए, कद्दू का मीठा बना रहे हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में देसी घी डालना है एक चम्मच, तीन चम्मच, दो चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे। थोड़ी देर इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें मीठी सौंफ डाल दें, फिर इसको हिला लें, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करेंगे, अब इसके अंदर ये हो गया देखो, अब इसके अंदर कद्दू, जो कटा हुआ कद्दू है पंपकिन है, उसको डाल दें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे काफ़ी देर तक पकाना है। ये मीठा बन रहा है, कम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है। इस देखो, थोड़ा थोड़ा पक गया है। अब इसमें शुगर डालें, कम से कम 300 ग्राम चीनी जाएगी। शुगर डालने के बाद इसे इसमें मिक्स कर दें। इसको शुगर में ही पकाना है, इसमें पानी नहीं लगता। पानी लगाएंगे तो इसका टेस्ट अजीब सा होता है, तो इसलिए इसमें शुगर डाल दी। तो अब देख लीजिए कि जो इसका बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। अब इसमें ये काफ़ी देर तक इसमें पकाना है और इसके बाद इसमें किशमिश मिला दें। अब इसमें किशमिश डाल दें, किशमिश मिला दी। किशमिश इसलिए डालते हैं क्योंकि ये अभी जो है इसमें अच्छे से फूल जाएगी। और इसे मिक्स कर दें। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं लगाया देखिए, लेकिन इसमें रस है। ये देखिए, ये शुगर में ही पक रहा है, चीनी में, चीनी डाली थी हमने तो ये सिकुड़ के कितना कम हो गया। अभी और कम होगा तब समझ जाना कि ये पक गया है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा या चूरा जो बोलते हैं, ग्रेटेड किया हुआ नारियल डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम लास्ट में जो इसके गार्निश है, अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे थोड़ा सा कोकोनट के साथ गार्निश करेंगे। रेडी टू सर्व। लीजिए जी, आप इसको टेस्ट करके मुझे बताइए ये कैसा बना है। चलो टेस्ट करो। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। थैंक यू सो मच। रेडी टू सर्व। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।